एक हमारे क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा है, मैम इज देयर न्यू रेमेडी अवेलेबल इन न्यू लॉज फॉर एनी फॉल्स केसेस विक्टिम्स, रिक्वेस्ट इफ यू कैन मेक वन नॉलेज शेयर वीडियो ऑन दैट, इज देयर एनी चेंजेस इन लॉज वेयर पीपल हु फाइल फॉल्स केसेस कैन ऑल्सो फेस ट्रायल एंड राइट जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड प्लीज। इन्होंने पूछा है कि क्या नए लॉज में, जो कि नए कानून हमारे देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं, क्या उन नए कानून में फॉल्स केसेस विक्टिम्स के लिए भी कुछ नई रेमेडी आई है? तो आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सबसे पहला जो चेंज आया है नए कानून में, जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको शॉर्ट में BNSS बोलते हैं, इसमें एक जो बड़ा चेंज आया है वो तो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी बताया था, क्योंकि हम फॉल्स केसेस के बारे में बहुत पहले से जागरूकता फैला रहे हैं और उसके बारे में हमने PIL भी फाइल की थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, कि जो पुराना CRPC का सेक्शन था, सेक्शन 156(3), जिसमें कि अगर पुलिस FIR नहीं करती है तो कोर्ट में जाने का प्रावधान था, कि कोर्ट में जाकर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि अगर मेरी FIR पुलिस ने रजिस्टर नहीं की है तो कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट करे FIR रजिस्टर करने के लिए। तो इस सेक्शन का काफी मिसयूज भी होता था, जो लोग फॉल्स कंप्लेंट नहीं कर पाते थे पुलिस में तो वो कोर्ट में जाकर अर्जी दे देते थे और पुलिस को डायरेक्शन करवा लेते थे और पुलिस ने फिर कोर्ट का डायरेक्शन फॉलो करके FIR करनी होती है। इस तरह के बहुत सारे फॉल्स FIR दर्ज हो रही थी, तो हमने एक PIL डाली थी। उस PIL में हाईकोर्ट ने हमें कहा था कि आप सरकार को रिप्रेजेंटेशन दें, तो हमने सरकार को पूरा डिटेल एनालिसिस और रिसर्च करके हमने उनको भेजा था रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद से ये जो नया कानून बनाया गया है BNSS, उसमें सेक्शन 156(3) अब बन गया है सेक्शन 175 subclause 3, और उसमें जो चेंज हमने मांगा था वो नए कानून में, इस नए सेक्शन में आ गया है, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी। तो वो ये चेंज आया है कि अब कोई मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई एप्लीकेशन देता है कि पुलिस मेरी FIR रजिस्टर नहीं कर रही है और पुलिस को आदेश दो FIR करने का, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट ने ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं करना है कि कंप्लेनेंट ने कुछ भी कह दिया और आप सीधा पुलिस को आदेश दे दें FIR करने के लिए। अब मजिस्ट्रेट ने पहले पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगानी है और एक्शन टेकन रिपोर्ट में पुलिस ने बताना है कि क्यों FIR दर्ज नहीं की है। ऐसे में प्रोटेक्शन कैसे हो सकेगी फॉल्स केसेस के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए? ऐसे में ये होगा कि अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेंट पुलिस में दी होगी तो पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट में वो सारी बातें मजिस्ट्रेट के सामने आ जाएंगी। कई बार क्या होता है कि पुलिस के सामने कोई फॉल्स कंप्लेंट देता है तो पुलिस भी उसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करती है और आरोपी को भी पूछ लेती है और आरोपी अपना जो डिफेंस है वो पुलिस के सामने दे देते हैं और ऐसे में फिर पुलिस FIR में प्रोसीड नहीं करती है। तो ये जो चीज पुलिस की कार्रवाई में हुई होगी वो कार्रवाई मजिस्ट्रेट के सामने आ जाएगी, जिससे कि मजिस्ट्रेट को एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी कि ऑफेंस प्राइमा फेशे बनता है या नहीं बनता है, और फिर ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होगा कि जो कंप्लेनेंट ने कहा वो डायरेक्टली पुलिस को आदेश दे दिया FIR करने के लिए। तो ये एक स्पीड ब्रेकर साबित होगा उन फॉल्स केसेस करने वालों के लिए, जो ये सोचते हैं कि हम मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे और पुलिस को आदेश करवा लेंगे FIR का किसी भी ऑफेंस में। लेकिन ये सेक्शन में जो बदलाव आया है BNSS में, तो ये बदलाव उन फॉल्स केसेस के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए एक फायदेमंद चीज होगी, उनके लिए एक यूजफुल चीज है, बिकॉज फॉल्स केस करने वालों को एक कम से कम एक रोक आ जाएगी कि अगर वो झूठा केस करेंगे तो मजिस्ट्रेट के सामने वो झूठ बोलकर कंसीलमेंट करके झूठे FIR के आदेश नहीं करा लेंगे। एक क्लाइंट हमारे पास ऐसा आया भी था एक बार, जो बताया कि एक कंप्लेनेंट है जो कि सीरियल फॉल्स कंप्लेनर है, वो उसके ऊपर लगातार एक के बाद एक फॉल्स कंप्लेंट करता ही रहता था और वो कभी भी कंप्लेंट में ये नहीं बताता था कि उसकी पहले की कंप्लेंट में जो इंक्वायरी हुई है उसका क्या स्टेटस है। तो ऐसे कंसीलमेंट करके उसने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी कि FIR के आदेश दिए जाए क्योंकि पुलिस मेरी FIR दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन उसने हाई कोर्ट में वहां पर कंसीलमेंट कर लिया कि पहले की जो उसने कंप्लेंट्स फाइल की थी उसमें पुलिस ने क्या इंक्वायरी की थी। तो उस समय तो उस केस में तो पर्टिकुलरली ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने ही उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया बिकॉज वो प्राइमा फेशे ऑफेंस बनता ही नहीं था। लेकिन अगर ये जो प्रोविजन उस समय होता तो इस तरह के लिटिगेंट्स जो कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट के सामने जाकर कंसीलमेंट करके इंक्वायरी रिपोर्ट छुपा लेते हैं कि पुलिस में तो जो इंक्वायरी हुई है वो अगर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने आ गई तो मजिस्ट्रेट को पता लग जाएगा कि भाई जो ऑफेंस है वो जो झूठा बनाया गया है। तो ऐसे में कंसीलमेंट करके झूठे FIR के आदेश करा लेने के लिए जो सोचते हैं उनके लिए ये एक स्पीड ब्रेकर साबित होगा। और हमें इस बात की खुशी है कि हमने जो बात
चार पांच साल पहले उठाई थी हाईकोर्ट में, वो आज जाके सफल हो गई है और उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो भी बनाई थी जो कि आप चैनल पर देख सकते हैं। तो एक तो बदलाव ये हो गया है। दूसरा जो बड़ा चेंज BNSS में आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर को चेंज कर रहा है, जिसके सेक्शन के बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो जो दूसरा सेक्शन जो कि चेंज हुआ है फॉल्स केसेस विक्टिम्स के लिए, पर्टिकुलरली जो हमने अपने क्लाइंट का क्वेश्चन यहाँ उठाया है, तो उसमें जो बड़ा चेंज हुआ है वो है सेक्शन 223। ये सेक्शन पहले CRPC में था, सेक्शन 200। CRPC में सेक्शन 200 क्या कहता था कि एक तो हो गया जो अभी मैंने आपको बताया कि जो मजिस्ट्रेट के सामने FIR के आदेश कराने जाते थे, एक होता है कि FIR के आदेश कराने नहीं गए, प्राइवेट कंप्लेंट ही मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कर दी कि मजिस्ट्रेट ही जो है वो केस को आगे बढ़ाए, पुलिस को आदेश अगर नहीं भी दे रहे हैं तो मजिस्ट्रेट खुद ही कंप्लेंट में प्रोसीड करें, जो कि CRPC सेक्शन 200 था। उसमें क्या होता था कि कंप्लेनेंट एक लिखित में कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने रखता है और उसके बाद से मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेनेंट और कंप्लेनेंट के अगर कोई विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं, जो उसकी बात को सपोर्ट करते हैं, वो सब कंप्लेनेंट और विटनेसेस कोर्ट के सामने अपने बयान देते हैं और उन बयान के आधार पर मजिस्ट्रेट को पावर है कि मजिस्ट्रेट उसमें समनिंग ऑर्डर पास करते हैं, इश्यू प्रोसेस भी बोलते हैं उस ऑर्डर को, यानी कि मजिस्ट्रेट आरोपी को, जो उसमें कंप्लेंट में आरोपी बताए गए हैं, उन आरोपियों को समन करते हैं और समन करने के बाद से फिर ट्रायल शुरू होता है। तो अब इसमें जो बड़ा बदलाव आया है इस सेक्शन 200 जो CRPC का था प्राइवेट कंप्लेंट्स के लिए, प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट्स के लिए, उसमें ये चेंज हो गया है कि एक नया प्रोविजन ऐड किया है जो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट ने अगर कोई भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेना है तो बिना आरोपी को सुने कॉग्निजेंस नहीं लेना है। ये प्रोविजन ऐड किया गया है सेक्शन 223 में, वो यहां मैं कोट भी कर रही हूं। नीचे लिखा है 223 सेक्शन के, प्रोवाइडेड दैट नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द एक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी बिना आरोपी को अपॉर्चुनिटी दिए कि उसको सुना जाए, उसको अपॉर्चुनिटी दिए बिना मैजिस्ट्रेट किसी भी केस में, किसी ऑफेंस में कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो कि ये भी फॉल्स केसेस करने वालों के लिए एक स्पीड ब्रेकर साबित हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि पहले जो क्योंकि क्या होता था पहले कि कंप्लेनेंट और विटनेसेस ने जो बयान दे दिया कोर्ट के सामने, जो बात कह दी, मैजिस्ट्रेट उस आधार पर जो ऑफेंस बनता है उसमें ऑर्डर कर दिया, आरोपी को समन कर दिया। लेकिन अब इस सेक्शन से ये फायदा होगा कि मजिस्ट्रेट पहले नोटिस करेंगे आरोपी को कि आरोपी को कुछ अगर कहना है तो वो पहले आके कह दे। तो ऐसे में जो केसेस बिल्कुल ही बेबुनियाद, बेसलेस, फॉल्स केसेस होते हैं, जिसमें कि अगर आरोपी पहले आ गया होता और आरोपी की बात मजिस्ट्रेट के सामने आ गई होती, तो वो फर्स्ट स्टेप पर ही फॉल्स केस रुक सकता है। ये दूसरा बड़ा बदलाव है जो कि फॉल्स केसेस के विक्टिम्स के लिए फायदा होगा। एक हमारे पास एक क्लाइंट आई थी जो कि एक ओल्ड वुमेन थी, उसके ऊपर इसी तरह एक फॉल्स कंप्लेंट फाइल हुई थी जिसमें बहुत सारे IPC के सेक्शंस लगा के एक फॉल्स कंप्लेंट उसके ऊपर फाइल कर दी गई थी और समनिंग ऑर्डर हो गया था डायरेक्टली, क्योंकि उस समय आरोपी को तो सुना नहीं जाता था और कंप्लेनेंट और विटनेसेस के बयान के आधार पर समनिंग ऑर्डर हो गया था। फिर वो हमारे पास आई और बहुत ज्यादा दुखी थी, घबरा गई थी, क्योंकि इतने सारे IPC के सेक्शंस में उसको समन्स इशू हो चुके थे। तो एक डर किसी को भी हो जाता है कि अब मेरे ऊपर इतने भारी सेक्शंस के ऊपर ट्रायल चलेगा और मुझे कोर्ट में हर तारीख पर जाना पड़ेगा, वारंट इशू हो सकते हैं, अरेस्ट हो सकती है, क्या होगा। तो बहुत ज्यादा वो घबरा गई थी। तो हमारे पास जब वो आई तो हमने उसको कहा कि आप घबराओ नहीं, सबसे पहले तो कभी कोई फॉल्स केस आपके ऊपर हो भी जाता है तो घबराना नहीं है। तो उस समय फिर हमने उसको कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमारे पास लेके आओ, अगर आप बोलते हो कि आपके ऊपर सच में फॉल्स केस हुआ है, बिल्कुल झूठा केस है, तो सारी चीजें हमारे सामने लेकर आओ। फिर उनके केस को सारा हमने स्टडी किया, सारा रिसर्च किया, और क्योंकि वो फॉल्स केस था तो सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और सारे बातों को लेकर लीगल रिसर्च करके कि किस तरह से जो ऑफेंसेस हैं वो मेड आउट नहीं होते हैं, हमने उसमें एक रिविजन फाइल करी सेशंस कोर्ट में। और सेशंस कोर्ट में रिविजन फाइल करके उस समनिंग ऑर्डर को, जो कि पूरी तरह से फॉल्स कंप्लेंट पर आधारित था, इलीगल समनिंग ऑर्डर था, उसको हमने सेशंस कोर्ट में रिवीजन में जाकर क्वैश करवाया। उसके बाद उन बूढ़ी माँ के बहुत दुआएं हमको मिली, वो बहुत
रिलीव हो गई कि उनके ऊपर से एक झूठा केस हट गया सिर से। लेकिन ये केस मैं आपको यहाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उस केस में वो एक बूढ़ी माँ डर गई, घबरा गई, क्योंकि उनके ऊपर एक फॉल्स कंप्लेंट के आधार पर समनिंग ऑर्डर हो गया और ट्रायल शुरू हो गया। हालांकि उसमें हमने रास्ता निकाला और क्वैश करवा दिया, लेकिन अगर ये प्रोविजन जो पहले नहीं था, जो कि अब आ गया है BNSS में, ये प्रोविजन अगर उस समय होता तो उस समय मैजिस्ट्रेट उस फॉल्स कंप्लेंट के आधार पर इमीडिएटली समनिंग ऑर्डर ना कर पाते। मैजिस्ट्रेट को अगर ये प्रोविजन होता कि वो आरोपी को नोटिस करके आरोपी की भी सुन सकते हैं, तो आरोपी को अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती, यहां पर जो इस केस में बूढ़ी माँ थी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती कि वो कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते हैं, अपना डिफेंस बता सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि वो फॉल्स कंप्लेंट है, तो फर्स्ट स्टेप पर ही मजिस्ट्रेट को जहां पता चल जाता कि ये बिल्कुल ही फॉल्स केस है, तो मजिस्ट्रेट उसमें समनिंग ऑर्डर ना करते और समन्स इश्यू ना करते। तो ये सेक्शन अगर उस समय होता, ये जो नया बदलाव आया है उस समय होता, तो हमें लगता है कि वो बूढ़ी माँ को इतनी तकलीफ जो झेलनी पड़ी वो ना झेलनी पड़ती। तो इस हिसाब से ये जो नया सेक्शन आया है, ये जो नया बदलाव आया है BNSS में, ये यूजफुल होगा उन सभी लोगों के लिए जिनके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट फाइल करते हैं लोग। और ये सिर्फ मैं बात कर रही हूँ फॉल्स केसेस के लिए, यानी ऐसा नहीं कि कोई सच में कोई क्राइम हुआ है और सच में कोई कंप्लेंट करने जा रहा है तो उसके लिए नहीं, लेकिन कई लोग जो कानून का मिसयूज करते हैं, झूठ बोलकर कंसीलमेंट करके कोर्ट में फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल कर देते हैं, उनके लिए ये स्पीड ब्रेकर साबित होगा, क्योंकि उनको अब ये समझ जाना चाहिए कि आपकी बात पर सीधा मजिस्ट्रेट अब समनिंग ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। अब आरोपी को पहले बुलाया जाएगा और आरोपी को सुनने के बाद समनिंग ऑर्डर होगा। अब यहां पर एक डिफेंस ऑपोजिट साइड का ये हो सकता है कि ये तो कंप्लेनेंट साइड के लिए एक प्रिजुडिस हो गया है, क्योंकि कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई बहुत सीरियस क्राइम होता है तो उसमें तो पुलिस कॉग्निजेंस लेती ही है, जैसे मर्डर हो गया या फिर किसी में इंजरीज हो गई, तो वहां पर तो पुलिस कार्रवाई करती ही है, और अगर नहीं करती है तो कोर्ट जो है वो इमीडिएटली पुलिस एक्शन रिपोर्ट मंगा के एफआईआर के आदेश कोर्ट दे सकती है। लेकिन जहां पर प्राइवेट कंप्लेंट के जरिए जाया जाता है, जहां पर कि समनिंग ऑर्डर का जो ये प्रोविजन है, वहां पर कोई कंप्लेनेंट को प्रिजुडिस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऐसे एलिगेशंस नहीं होते हैं जिसमें कि तुरंत जो है एक्शन लेने की जरूरत पड़ती हो। तुरंत एक्शन लेना है तो वहां पर तो एफआईआर के आदेश कंप्लेनेंट को मिल सकते हैं कोर्ट से, लेकिन जहां पर एक प्राइवेट कंप्लेंट होता है, ज्यादातर ये उन केसेस में ही होता है जिसमें कि सबूत उतने नहीं होते हैं और कंप्लेनेंट और विटनेसेस के बयानों पर ही समनिंग ऑर्डर हो जाते हैं, मैक्सिमम केसेस में यही होता है, तो कंप्लेनेंट को कोई प्रिजुडिस नहीं होगा अगर आरोपी को पहले बुला के सुन लिया जाए। बल्कि फॉल्स केसेस जो इतने ज्यादा होते हैं उनके लिए एक ये स्पीड ब्रेकर होगा, उनके लिए ये एक रोक होगी, फॉल्स कंप्लेंट्स कम होंगे, क्योंकि आरोपी को अगर पहले सुन लिया तो उससे कंप्लेनेंट को कोई प्रिजुडिस नहीं, लेकिन अगर आरोपी को सुने बिना इतने सारे कंप्लेंट फॉल्स केसेस में अगर आरोपी को समनिंग ऑर्डर हो जा रहे हैं तो वो उन लोगों के साथ प्रिजुडिस जरूर है जिनके ऊपर फॉल्स केस हो रहा है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे कंप्लेनेंट को कोई प्रिजुडिस है, क्योंकि ऐसा भी तो है कि अगर आरोपी को कोर्ट ने बुला लिया कि आपका क्या पक्ष है, और सुनने के बाद मजिस्ट्रेट की फाइनल पावर है, और ऐसा है कि आरोपी को सुनने के बाद से मजिस्ट्रेट समनिंग ऑर्डर कर भी सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि समनिंग ऑर्डर नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी इक्वल हो गई है, ये जो बैलेंस आया है ये हमें लगता है कि ये अच्छी चीज है, बिकॉज फॉल्स केसेस करने वालों के लिए एक स्पीड ब्रेकर होगा, सिर्फ फॉल्स केसेस करने वालों के लिए। और ये भी यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस स्टेज पर जो ये कॉग्निजेंस वाली स्टेज होती है वो सिर्फ प्राइमा फेशे ही देखते हैं कि प्राइमा फेशे ही ऑफेंस मेड आउट होता है या नहीं होता है। जहां पर डीप में जाना पड़े ऑफेंसेस के, जहां पर लग रहा हो कि नहीं इसमें तो ट्रायल की जरूरत है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट प्रोसीड कर सकते हैं इवन आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द एक्यूज्ड। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कई लोगों को ये बात सुनकर लगेगा कि नहीं अब तो जो है कोई कंप्लेंट हम पर हो ही नहीं पाएगी, ऐसी बात नहीं है। जो बिल्कुल फॉल्स कंप्लेंट होती है जिसमें कि ऑफेंसेस मेड आउट ही नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बिकॉज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में तो हमें पता है कि लोग बिल्कुल बेसलेस कंप्लेंट फाइल करते हैं। जो मैंने आपको भी केस बताया उन बूढ़ी माँ का, उनका भी केस बिल्कुल बेसलेस था लेकिन फिर भी उसमें समनिंग ऑर्डर हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे बेसलेस केसेस में जहां समनिंग ऑर्डर हो जाता है उन केसेस के लिए ये सेक्शन काम करेगा, और उन केसेस में फॉल्स कंप्लेनर्स के लिए ये एक स्पीड ब्रेकर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि रेमेडी की। ये तो हो गया कि प्रोटेक्शन
एक तरह से। अब रेमेडी क्या है? रेमेडी यानी कि कोई अगर फॉल्स कंप्लेंट आपके ऊपर कर देता है तो उसकी रेमेडी क्या है, आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो कई बार पहले भी हमने बताया है कि अगर कोई आपके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट करता है तो वो एक ऑफेंस है अपने आप में। पहले आईपीसी के ऑफेंसेस में ये सेक्शंस थे 182 और 211। 182 ये कहता था कि अगर कोई पुलिस में फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, फॉल्स कंप्लेंट दे रहा है, तो उसमें पुलिस उसी कंप्लेनेंट के ऊपर जो कि फॉल्स कंप्लेंट दे रहा है उसके ऊपर पुलिस एक्शन ले सकती है सेक्शन 182 में। अब ये 182 सेक्शन बीएनएस जो नया भारतीय न्याय संहिता है, जो कि इंडियन पिनल कोड अब बन गया है भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी बोलते थे पहले, अब हो गया है बीएनएस। तो बीएनएस में ये सेक्शन हो गया है 217। सेक्शन 217 क्या कहता है कि अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को देता है तो उसमें 1 साल तक की सजा हो सकती है और 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, या अब दोनों हो सकता है। और एक सेक्शन 211 था आईपीसी में, जिसके बारे में हमने कई बार वीडियोस में अपने और डिबेट्स में कई बार उस बारे में बताया है, और हमने एक केस भी बताया था जिसमें कि हमने भी सेक्शन 211 का प्रयोग किया एक फॉल्स कंप्लेनर के ऊपर, और उसमें हमने 211 में समनिंग ऑर्डर भी करवाया। तो सेक्शन 211 जो आईपीसी का था वो अब हो गया है सेक्शन 248। सेक्शन 248 क्या कहता है? Whoever with intent to cause injury to any person, institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against that person or falsely charges any person with having committed an offence, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years. जो कि 5 years तक एक्सटेंड हो सकती है पनिशमेंट, और फाइन भी हो सकता है अप टू 2 lakh rupees, और बोथ दोनों भी हो सकता है। और अगर इफ सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूटेड ऑन अ फॉल्स चार्ज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, यानी कि अगर ऐसे किसी ऑफेंस में फॉल्स कंप्लेंट हुई है जिस ऑफेंस की सजा डेथ है या फिर इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर 10 साल और उससे ज्यादा की इंप्रिजनमेंट है, ऐसे किसी ऑफेंस के बारे में किसी ने झूठी कंप्लेंट दी है, तो ऐसे में पनिशमेंट शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years। ऐसे में तो 10 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी साथ में लगेगा। यानी कि अगर कोई आपके ऊपर झूठा केस कर देता है तो वो अपने आप में एक ऑफेंस कर रहा है, जो कि बीएनएस नए कानून में सजा बताई गई है कि उसको 5 साल तक की सजा लग सकती है। और अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जिसकी 10 साल से ऊपर की सजा है, ऐसे ऑफेंस के बारे में कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर 10 साल तक की सजा हो सकती है। वो खुद एक ऑफेंस कर रहा है झूठी कंप्लेंट करके। तो ये सारी बातें आज हमने आपको बताई, जो कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस और बीएनएसएस में जो बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं, वो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। और इसी बात के साथ हम यहाँ पर एंड करेंगे जो हमने हमेशा से कहा है अपनी डिबेट्स में भी, कि फॉल्स कंप्लेंट कभी भी किसी ने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फॉल्स कंप्लेंट करना अपने आप में एक अपराध है, ऑफेंस है।